हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम सीखने वाले हैं ब्लॉक डेफिनेशंस के बारे में। सो एज यूजुअल, जैसे कि हमने लास्ट इस सीरीज में ऑटोकैड सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमने लास्ट कमांड लेयर पे कंप्लीट करी हुई थी। उसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आई हुई है, ये है ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक कमांड करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्लॉक होता क्या है। ब्लॉक का जनरल ओवरव्यू सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। सो इन जनरल टर्म में अगर आपको ब्लॉक पूछा जाए कि व्हाट इज ब्लॉक इन जनरल टर्म नॉट अबाउट द ऑटोकैड, तो हम जनरली ये कहते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई पूछे अगर आपको व्हाट इज द ब्लॉक, तो हम जनरल टर्म में सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट, एक कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको जिसके शेप एंड साइज को जनरली मॉडिफाई ना किया जा सके। अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया ना, मैं थोड़ा सा फिजिक्स के फर्स्ट टर्म में चलाया। अगर आपने थोड़ा सा लोअर हेड पे आओ, अगर आप क्लास 7 या क्लास 8 की बात करो, तो आप सब ने एक फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। सो सॉलिड एक ऐसा जिसका शेप एंड साइज फिक्स होता है, लिक्विड जिसका शेप डिपेंड करता है कि किस आप ऑब्जेक्ट के अंदर उसको रखते हो, और गैसेस वो पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर फैला रहता है। सो सॉलिड में बेसिकली क्या होता है कि उसका शेप एंड साइज फिक्स होता है। कुछ वही ब्लॉक का भी होता है कि शेप एंड साइज उसका फिक्स रहेगा। अगर उसके शेप एंड साइज को चेंज करना है तो आपको चेंज करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ काम आपका ऑटोकैड में भी सेम होने वाला है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको बाय डिफॉल्ट आपको फिक्स रखना है, उसके शेप एंड साइज में चेंजेस नहीं होने चाहिए। बाकी अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो एक्सटर्नल कमांड से चेंज तो कर सकते हैं, बट राइट नाउ उसका जो करंट सिनेरियो है उसमें उसको चेंजेस नहीं, शेप में चेंजेस कुछ ना हो। सो इस तरीके की कमांड को करने के लिए इनका यूज करते हैं ब्लॉक। फिर से एक बात मैं रिपीट करूँगा भैया, लास्टली जितने भी कमांड हमने कराए हुए हैं उस कमांड के हेल्प से आप ऑटोकैड में कोई भी डायग्राम बना सकते हो। चाहे प्लानिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल के ड्राइंग हो, चाहे वो प्रोजेक्शंस के ड्राइंग हो, कोई भी डायग्राम आप बना सकते हो। बट अगर आपको ड्राइंग में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अगर आपको ड्राइंग के अंदर थोड़े से एडवांसमेंट चाहिए, या फिर आपको ड्राइंग के अंदर कुछ ऐसा हो कि जिससे आपका ड्राइंग बिल्कुल एक्यूरेट बने, तो उसके लिए हमें कुछ एडवांस कमांड्स करने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपका लेयर आता है। लेयर मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया है। फिर आता है आपका ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर भी कुछ लेयर आता है, ठीक है। तो जो पूरा ब्लॉक का सेक्शन है ना, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक में हम ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और अगले कैटेगरी में हम एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। एक में ब्लॉक और दूसरे में एट्रीब्यूट। सो जो ब्लॉक का कैटेगरी है उसको इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, और जो एट्रीब्यूट वाला कैटेगरी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, करेक्ट है। सो जनरल ओवरव्यू हमने समझ लिया, अब शुरू करते हैं आपके मेन ब्लॉक के कमांड। सो ब्लॉक कमांड एराइज कहाँ से हुआ, ब्लॉक कमांड का थॉट कहाँ से आया, वो आया ग्रिप एडिटिंग से। तो अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि सर ग्रिप एडिटिंग होती क्या है। सो ग्रिप एडिटिंग बेसिकली एक ऐसा कमांड है, एक पर्टिकुलर कोई कमांड तो नहीं ये कह सकते हो आप, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को उसके ग्रिप पॉइंट से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है उसको देखो पहले। सो एक सिमिलर हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके कुछ ग्रिप पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उसके कुछ ग्रिप पॉइंट आ रहे हैं। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊँ तो इसके भी कुछ ग्रिप पॉइंट होंगे, ये रेक्टेंगल के कुछ ग्रिप पॉइंट अलग हो रहे हैं। अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो उसका ग्रिप पॉइंट अलग आएगा, अगर मैं कोई डिफरेंट शेप बनाऊँ तो उसका ग्रिप पॉइंट अलग आएगा। सो इसका कहने का मतलब हुआ कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट ऑटोकैड में बनाते हो, हर एक ऑब्जेक्ट का खुद का ग्रिप पॉइंट होता है, ठीक है। सो ग्रिप पॉइंट से ये हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट के ग्रिप पॉइंट है, इस ग्रिप पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट एडिट कैसे होता है ये समझते हैं। देखो इधर, अगर हम किसी भी ग्रिप पॉइंट को सेलेक्ट करें ना, जैसे इस ग्रिप पॉइंट के कॉर्नर को मैंने सेलेक्ट किया और अपने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, सेलेक्ट सिर्फ लेफ्ट कॉर्नर को क्लिक कर देना है लेफ्ट क्लिक से, और माउस को ड्रैग करना है। ड्रैग करके देखा तो हमारे सामने क्या आ रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो रहा है। कैसे पता, कहीं पे क्लिक करके छोड़ दो, क्लिक करा तो ये देखा कि ऑब्जेक्ट आपका मॉडिफाई हो गया, रेक्टेंगल के जगह कुछ डिफरेंट शेप का हो गया, ठीक है। सो हुआ क्या, एक ग्रिप पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया। कैसे पता स्ट्रेच हुआ, फिर से देखो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप कमांड बार में देखो तो क्या आ रहा है, स्पेसिफाई द स्ट्रेच पॉइंट, यानी कि आप अभी स्ट्रेच करने वाले हो, ठीक है।
सिंपली ड्रैग करके स्ट्रेच हो रहा है। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, ठीक है, स्ट्रेच के अंदर अगर मैं एंटर प्रेस करूं, जो मेरा स्ट्रेच कमांड है ना वो स्विच हो जाता है। किसमें स्विच हो जाता है? मूव कमांड के अंदर स्विच हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अब मैं फिर से एंटर प्रेस करूंगा तो जो मूव कमांड है ना फिर से स्विच हो जाएगा रोटेट कमांड के अंदर। देखो यहाँ पे चेंज आ रहा है। अगेन प्रेस एंटर, इट चेंज टू द स्केल कमांड। अगेन प्रेस एंटर, इट चेंज टू मिरर कमांड। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपके ग्रिप पॉइंट है ना, उस ग्रिप पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, मॉडिफाई इन द सेंस कौन कौन से कमांड हो रहा है फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो इधर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो तो डायरेक्ट स्ट्रेच होगा, एंटर प्रेस कर रहे हो तो मूव होगा, फिर से एंटर प्रेस कर रहे हो तो रोटेट होगा, फिर से एंटर प्रेस कर रहे हो तो स्केल होगा, अगेन फिर से एंटर प्रेस कर रहे हो तो मिरर होगा। यानी कि 5 कमांड आप परफॉर्म कर सकते हो वाइल यूजिंग योर ग्रिप एडिटिंग। मैं यहाँ पे नोट करके दे दूंगा आपको तो ग्रिप एडिटिंग के अंदर क्या क्या कमांड परफॉर्म करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं, जैसे जनरल इंटरव्यू में जाओगे या फिर जो एप्टीट्यूड राउंड होता है ना उसमें ऑटो कैड का कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, तो उसमें पूछ देते हैं लोग कि ग्रिप एडिटिंग में कौन कौन से कमांड परफॉर्म नहीं होते। तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें से 3 ग्रिप एडिटिंग के परफॉर्म होने वाले होंगे, एक नहीं होने वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप हमें इसी में कंफ्यूज आते हैं, तो इसलिए हमारा ये जानना जरूरी है। सो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऑब्जेक्ट आपका मॉडिफाई हो जाए। ठीक है, अब इस मॉडिफिकेशन को रोका कैसे जाए? इसको रोकने का एक ही तरीका है कि ग्रिप पॉइंट आए ना, जिस ग्रिप पॉइंट से ऑब्जेक्ट आपको मॉडिफाई हो रहा है कुछ ऐसा करो कि वो ग्रिप पॉइंट आए ही ना, तो आपका ये ग्रिप पॉइंट का मॉडिफिकेशन ही रुक जाएगा। सो उसके लिए क्या करना है? बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको इस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ब्लॉक में कन्वर्ट के लिए क्या करना है? बी एंटर दिया, बी एंटर देने के बाद ब्लॉक का नेम साइन कर दो, जैसे हमने 1 साइन कर दिया। ये मैं बताता हूँ कि बेस पॉइंट ऑब्जेक्ट और बिहेवियर में क्या आता है। मैंने 1 साइन करके ओके कर दिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। ठीक है, एंटर किया तो क्या हुआ, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। ब्लॉक में कन्वर्ट होने से क्या होगा, इसके ग्रिप पॉइंट तो गायब हो गया, यानी एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया कि उसके ग्रिप पॉइंट गायब हो गए। सिर्फ एक ग्रिप पॉइंट आ रहा था, क्यों? क्योंकि ये हमने बेस पॉइंट दिया था। ठीक है, पहला टास्क कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या कि ये जो ब्लॉक है इसका मॉडिफिकेशन पॉसिबल है नहीं, अब ग्रिप पॉइंट आ नहीं रहा तो ये मॉडिफाई होगा नहीं। मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कमांड लगाना पड़ेगा जो आता है ब्लॉक एडिटर के अंदर। ठीक है, तो वो मैं नहीं छेड़ रहा अभी। तीसरा टास्क क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, वो क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप ब्लॉक कर देते हो ना उसको कैरी करना आसान हो जाता है। कैरी इन द सेंस क्या कि सपोज करो आप एक बहुत बड़ी प्लानिंग पे काम कर रहे हो, उस प्लानिंग में बहुत सारे डोर लगे पड़े। ठीक है, अब हर एक पर्टिकुलर डोर को इंडिविजुअल तो बनाने वाले नहीं है। ठीक है, अगर इंडिविजुअल बनाओगे तो टाइम टेकन हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होता है कि एक बना के मैं कॉपी करता चला जाऊँ। ठीक है, अब कॉपी करने में क्या होता है कि कहीं पर 3 फिट की वॉल दीवार लगाई है तो कहीं पर 4 फिट की लगाई है, कहीं डबल डोर लगाया तो कहीं कुछ भी लगाया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोर भी लगने लगे चले। तो हमारा क्या दिक्कत आता है कि 3 फिट का एक डोर तो लगा दिया, अब अगला डोर लगाने के लिए फिर से उसको बनाओ या उसके साइज का स्केल करो। ठीक है, बना के फिर से उसको सेट करना पड़ता है। सो इस सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ब्लॉक बना देते हैं। ब्लॉक बनाने के बाद उसको जब चाहे तब उसको इंसर्ट कर सकता हूँ। इंसर्ट करने के साथ साथ ही उसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, उसको मैं स्केल कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मान लो ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, ये हॉरिजॉन्टल था, मुझे इसका वर्टिकल फॉर्म चाहिए, तो आई एंटर दिया, आई फॉर द इंसर्ट ब्लॉक यहाँ पे लिखा है मैंने। एज यूजुअल डियर, हमेशा हर एक वीडियो में आप देखोगे तो मैंने राइट हैंड सेक्शन पे मैं उसका कमांड नेम लिख देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल प्रिसाइज रहो कि ये यूज होने वाला है। सो 1 नंबर का ब्लॉक आ रहा है, ओके किया। ओके करने से पहले आपको क्या करना है, रोटेशन एंगल दे देना है कि भाई साहब 90 डिग्री पर ऑब्जेक्ट आपका रोटेट हो जाए। अब देखो ऑब्जेक्ट आपका रोटेट हो गया है। सो आपको कोई पंगा नहीं है, एक बार आपको रोटेट कराना है तो इंसर्ट कर दिया, नहीं रोटेट कराना है तो इंसर्ट कर दिया। यानी कि जिस बिग टाइप का आपको शेप एंड साइज चाहिए आप डायरेक्ट ब्लॉक के इंसर्ट कमांड से यूज कर सकते हो। तो हमारा सारा प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ एक जगह मिल जा रहा है, वो है ब्लॉक के थ्रू। ओके, ऑब्जेक्ट आपका मॉडिफाई नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट को आप इजीली कैरी कर पा रहे हो, ऑब्जेक्ट को आप जब चाहे तब उसको रियूज कर पा रहे हो, रियूज करके साथ साथ ही उसको स्केल कर पा रहे हो, उसको आप रोटेट कर पा रहे हो, तो बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटीज आपको ओपन हो जा रही हैं, जो कि ड्रॉ एंड मॉडिफाई से पॉसिबल तो था बट टाइम टेकन था। ठीक है, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया। सो जनरल ओवरव्यू समझ में आ गया, ग्रिप एडिटिंग के बारे में समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि ब्लॉक करते कैसे हैं। ठीक है, अब ब्लॉक को थोड़ा सा डीप में समझते हैं, इसके ब्लॉक के इसके कमांड में क्या कहा जाता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, सो चलो सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, तो
फिर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, एक सिंपल रेक्टेंगल हमने बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने टेक्स्ट यूज करा, एक नॉर्मल टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिटेन। क्यों रिटेन लिखा बता रहा हूँ, ठीक है, रिटेन लिख दिया। अब इसी को मैं तीन पार्ट में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से बेस पॉइंट लिया, यहाँ पे दे दिया और फिर, ठीक है, एक को रिटेन लिखा, दूसरे को मैं यूज कर लेता हूँ कन्वर्ट टू द ब्लॉक, कन्वर्ट टू ब्लॉक। तीसरे वाले को मैं लिख लेता हूँ डिलीट। अब ये ऑप्शंस क्या है, ये क्या हमने बता रहा हूँ, ठीक है, इसको बताने के लिए चलो समझते हैं। चलो मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ, एक मेरे पास सोर्स ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि अगर इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो ये मेरे पास एक, ठीक है। मैं बी इंटर करता हूँ ब्लॉक पे। अब ब्लॉक के अंदर जो इसके कमांड है इसको समझते हैं। जो सबसे पहला कमांड है वो है बेस पॉइंट, दूसरे नंबर पर जो कमांड आता है वो ऑब्जेक्ट आता है, और तीसरे नंबर पर जो कमांड आता है वो बिहेवियर के बारे में आता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं हम बेस पॉइंट के। बेस पॉइंट बहुत इजीली बात समझ में आ रही है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जहां से आपको ऑब्जेक्ट को पिक करना हो, ठीक है, पिक करना। जब आप बेस पॉइंट की बात करो यानी ऑब्जेक्ट को पिक करने की बात कर रहे हो, ठीक है। सो पिक पॉइंट यानी बेस ऑब्जेक्ट को बताने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि स्क्रीन पे स्पेसिफाई कर लो, चेक कर लिया हमने, ठीक है, या फिर इसको अनचेक करके अभी पिक कर लो, ठीक है, दोनों तरीका है। इस पे क्लिक करोगे तो राइट नाउ पिक पॉइंट ले लेगा, और इस पे चेक करोगे तो ऑब्जेक्ट इसको ओके करने के बाद पूछेगा किधर आपको अप्लाई करना है। कैसे, इधर देखो, यहाँ पे पिक पॉइंट पूछ रहा है तो मैंने पिक पॉइंट पे क्लिक कर लिया, ठीक है, हमने पिक पॉइंट पे इसको क्लिक किया। तो हम देख सकते हैं कि जो इसका बेस पॉइंट है उसको अभी पूछने के लिए कह रहा है कि स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। सो सिंपल है, इसकी स्पेसिफाई कर दिया। So, अभी क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि डायरेक्ट आपका पिक पॉइंट यहाँ पे चेक कर लिया। सो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन अनचेक हो गया। सिमिलरली इधर भी होता है, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे सेलेक्ट कर सकते हो या चेक कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यानी पूरा ब्लॉक स्पेसिफाई करने के बाद ओके करो तो स्क्रीन पे पूछेगा, ठीक है। स्किप करता हूँ मैं डायरेक्ट बी इंटर और इसको चेक कर लेता हूँ, क्लियर है। अब पहला नेम देंगे हम रिटेन का, क्यों रिटेन का देंगे ये समझ लेते हैं। बेस पॉइंट के बारे में हमें समझ में आ गया कि स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन और पिक पॉइंट हमें सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट पे भी वही ऑप्शन, स्क्रीन पे स्पेसिफाई करो या फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, या फिर आपका ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, रिटेन पे होगा, कन्वर्ट टू द ब्लॉक पे होगा, डिलीट पे होगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रिटेन चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ रिटेन। ओके, रिटर्न देके हमने दोनों को चेक कर रखा है और ओके दिया। ओके करने के बाद कह रहा है बेस पॉइंट स्पेसिफाई करो, हमने दे दिया। कह रहा है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, हमने सेलेक्ट कर लिया। कह रहा है एंटर करो, हमने एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो गए कि नहीं हुए, यही बात का एक क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन होता है कि इधर अगर देखो तो मैं जनरली जो मैं लास्ट टॉपिक की अगर बात करूं तो उसमें क्या बताया कि ब्लॉक होने के बाद ऑब्जेक्ट के ग्रिप पॉइंट हट जाने चाहिए, बट इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसके ग्रिप पॉइंट रह रहे हैं, ठीक है। इसके ग्रिप पॉइंट रह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक में हुआ नहीं, ठीक है। एंड जनरल टर्म में देखा जाता तो ब्लॉक में नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिटेन का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी अभी है वो प्रॉपर्टी आगे भी रहेगी, बट आपको ब्लॉक मिल चुका है। कैसे पता चलेगा कि मिल चुका है? आई एंटर करके देखो, आई एंटर दिया, आपके सामने रिटेन नेम का एक ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। ओके करोगे तो आपको ब्लॉक में दिखेगा और ये आपका पूरा ब्लॉक में रहेगा, क्लियर है, ठीक है। रिटेन का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट आपका ब्लॉक में तो हो जाएगा बट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। कन्वर्ट दो ब्लॉक के बारे में समझते हैं। बी इंटर दिया, नाम दे देते हैं सी ओ सी टी बी कन्वर्ट टू द ब्लॉक, ठीक है। बी इंटर किया, ओके का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। इसमें क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ब्लॉक में तो हो गया और आप साथ साथ में आपको ब्लॉक भी मिल गया, मतलब आई एंटर करोगे तो सिटी भी नेम का भी एक ब्लॉक है, उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कहोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में फायदा क्या हुआ। फायदा नुकसान के बारे में मैं लास्ट बारे में समझा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। बी इंटर दिया, अब कहते हैं डिलीट के बारे में, डिलीट करते हैं उसको, डिलीट कर देते हैं। ओके, जैसे ओके दिया, ग्रिप पॉइंट दिया,
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते ही क्या हो जाएगा, डिलीट वाला ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, और आई एंटर करके देखोगे तो डिलीट नेम से आपका एक ऑब्जेक्ट भी आपको दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फायदे नुकसान के। फायदे नुकसान का मतलब सिंपल ये है कि अगर आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट को अगर ब्लॉक में करना है तो कन्वर्ट दो ब्लॉक लो, उस ऑब्जेक्ट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है तो रिटेन लो, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चाहिए ही नहीं डिलीट कर देना, और सिर्फ आपको ब्लॉक चाहिए तो डिलीट कर सेलेक्ट कर दो। ठीक है, सो इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि क्या आपको एक्चुअली नीड है। ठीक है, ये पार्ट बन गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ इस बार। अब मैं एक पॉइंट लेके एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, वो सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइलर से बनाया क्यों, क्योंकि एक साथ सेलेक्ट हो इसलिए मैंने पॉइलर से बनाया। अब करते हैं बी पे, अब बात हैं बिहेवियर के बारे में, सबसे पहले इसके बारे में। ठीक है, चलो उससे समझने से पहले ना मैं इसे कॉपी ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, ताकि कॉपी किया एक इधर एक इधर। ठीक है, ये सोर्स ऑब्जेक्ट है, इसको नहीं छेड़ा, उसके बारे में बात करते हैं। टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, दो जगह टेक्स्ट लिख लेते हैं, एक यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं, एक्सप्लोडिंग यस। ठीक है, मैं सिंपल लिखता हूँ एक्सप्लोडिंग यस, ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक किया और उसको चेंज कर दिया और स्टॉप फोर। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बेस पॉइंट से। ठीक है, एक्सप्लोडिंग यस, और इसको मैं कर लेता हूँ एक्सप्लोडिंग नो। ठीक है, अलाउ और नॉट अलाउ की बात की, फाइन। सो ये डन है, ये डन। अब आते हैं ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक में सबसे पहला समझना है मुझे अलाउ एक्सप्लोडिंग के बारे में, इस पर देखते हैं बिहेवियर चेक करना है अलाउ एक्सप्लोडिंग के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया यस लिख दिया क्योंकि एक्सप्लोडिंग की हो रही है, अभी अलाउ गया है तो यहाँ पे यस लिखा, ओके कर दिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट यस वाले को मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, फिर से बी इंटर, अभी मैं अनचेक कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नो, क्योंकि मुझे अलाउ एक्सप्लोडिंग अनचेक करके रखना है। ओके, बेस पॉइंट और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया कुछ ये। सो अभी क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक्सप्लोडिंग ऑन है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक्सप्लोडिंग ऑफ है। ठीक है, दोनों में चेंजेस क्या आएंगे कि सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या थी, ब्लॉक करने के बाद क्या हो रहा था कि उसके ग्रिप पॉइंट हट जा रहे थे और ये पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जेक्ट में हो जाते थे, जितने भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे वो सिंगल ऑब्जेक्ट में हो जा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ यही हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसका जो ब्लॉक हुआ है ना ब्लॉक टूट जाए, ब्लॉक को हटा देना है, तो आप एक्सप्लोड कर दो, एक्सप्लोड करने का कमांड यहाँ से सेलेक्ट कर लो एक्सप्लोडिंग को, या फिर एक्स एंटर दे दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया एंटर, तो क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गया, सेलेक्ट करोगे तो ये अलग सेलेक्ट होगा, ये अलग सेलेक्ट होगा, पर जिसको आपने नो किया हुआ है ना उसको एक्स एंटर करके सेलेक्ट करोगे तो वो एक्सप्लोड भी नहीं होगा, वन कुड नॉट बी एक्सप्लोडेड। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी सेटिंग हमने छेड़ के चेंज कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट को आप फर्दर चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, चेंज करना चाहते हो एक्सप्लोड करके तो एक्सप्लोडिंग ऑन रखना, नहीं करना चाहते हो तो ऑफ रखना, इट्स सिंपल। तो ठीक है, चलो डिलीट टेक्स्ट यही लिख देता हूँ, स्केल लिखना था, स्केल अगेन स्केल यस कर दिया। ठीक है, और डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसके देता हूँ अगेन फोर, फाइन। कॉपी दो कर लेते हैं ताकि डिफरेंस हमें समझ में आए, मैं इसलिए दो कर रहा हूँ ताकि हमें डिफरेंस समझ में आता चले। ठीक है, इसको हमने कर दिया कि ये हमारा क्या हो नो। ठीक है, बी इंटर, ब्लॉक पे आते हैं, ब्लॉक पे हमने सबसे पहले कर दिया स्केल यस, स्केल यस पे क्लिक किया, ओके, स्केल यस को क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अगेन बी इंटर, हम कर लेते हैं स्केल को अनचेक और हमने कर दिया यहाँ पे स्केल नो। ठीक है, इसे किया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। और अब बात आती है यहाँ पे कि एक को ब्लॉक कर दिया स्केल यस से, एक को ब्लॉक कर दिया स्केल नो से, इसका क्या डिफरेंस आया।
तो जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लॉक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको रीयूज कर सकते हो, जब चाहते हो आप इसको रीयूज कर सकते हो। रीयूज में क्या मैंने बताया था कि जैसे आप इंसर्ट करोगे आपके सामने फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या आएगी कि आप उसको रोटेट करना चाहते हो या उसको स्केल करना चाहते हो, ठीक है। सेम तरीके से अगर आई एंटर करते हैं तो हमारी बात आ रही है स्केल करने की, तो मैं सबसे पहले आता हूँ स्केल यस, ठीक है। इसके लिए इसको आया, अभी बाय डिफॉल्ट इसकी स्केलिंग थी 1:1 थी, मैंने स्केलिंग को 2 कर दी, यानी कि 1:2 यानी कि दोगुना कर दिया। जैसे 2 किया एक्स वाई दोनों में क्या हुआ, दो चेंज हो गए और किसी को अनचेंज नहीं कर सकता मैं, 2 ओके, और यहाँ से स्पेसिफाई वो डबल करके आ गया। अब फिर से मैं इंसर्ट करता हूँ, अब की बार मैं स्केल नो को सेलेक्ट करता हूँ, स्केल नो को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी स्केलिंग 2 दी, एज यूजुअल 2 दिया। 2 देने के बाद एज यूजुअल ये एक्स वाई जेड वाले सब 2 पे हो गए, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है यूनिफॉर्म को अनचेक करने का। अनचेक करके मैंने सिर्फ एक्स के साइड में स्केल ली और ओके कर दिया। सो आप पे डिपेंड करता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाओ जिसको सिर्फ एक डायरेक्शन में स्केल करना है तो वो भी आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ब्लॉक आपको डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बट आपको क्लिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं सारा डाउट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। डन, अब इसको भी हटा के खत्म करते हैं, फिर से कॉपी कमांड करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से उठाते हैं और 2 को और, ठीक है। अगला ऑब्जेक्ट क्या है, एनोटेशंस का, सो मैं इसको कर देता हूँ एनोटेटिव, सॉरी एनोटेटिव, इसको भी कर दिया एनोटेटिव, यस। सिमिलरली इसको भी चेंज कर लिया और क्या किया, क्लियर है। एक को यस रखा, एक को नो रखा, अगेन ब्लॉक, ठीक है। अब बात करते हैं एनोटेटिव की, बात करते हैं तो हमने ए एन और यस कर दिया, ठीक है, ए एन यस कर दिया, चेक कर लिया, चेक करने के बाद ओके किया, इसको सेलेक्ट करके फिर से भी, अब हमने कर दिया ए एन नो और हमने इसको अनचेक रखने दिया, फाइन। तो हमने यहाँ पे भी डिसाइड कर लिया, एक को हमने एनोटेटिव रखा है, एक को एनोटेटिव नहीं रखा है। ये एनोटेटिव और स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने डायमेंशंस के बारे में बता चुका, जब मैं टेक्स्ट और डायमेंशंस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि एनोटेटिव और स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो या फिर ये लिस्ट में जाके देख सकते हो, डायमेंशंस वाली वीडियो के अंदर मैंने एनोटेटिव और स्टैंडर्ड्स का बहुत ही ब्रीफ लेक्चर लिया है, बहुत ही अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। सो एनोटेटिव का क्या मतलब था कि जैसे आप टेक्स्ट और डायमेंशन को लिखते थे ना, ऑब्जेक्ट को आप स्केल करते थे, जैसे मतलब 1:1 का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मुझे इसको प्रिंट करना था 1:2 के स्केल पे, तो हमें क्या करना पड़ता था, पूरे ऑब्जेक्ट को स्केल करना पड़ता था, पूरे डायमेंशन को स्केल करना पड़ता था। हम क्या करते थे, टेक्स्ट और डायमेंशन में ही उसके ऑब्जेक्ट की सेटिंग में उसको हम स्टैंडर्ड रख लेते थे, इससे क्या होता था, एनोटेटिव रख लेते थे, इससे क्या होता था कि यहाँ से चेंज करके अपनी स्केलिंग को हम छेड़ सकते थे। कुछ काम यहाँ पर भी यही होगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट में स्केल करना है तो यहाँ पर आओ और डायरेक्ट इसको एनोटेटिव करके 1:2 करो। 1:2 करोगे तो आप देखोगे क्या कि जिसका एनोटेटिव ऑन था वो डायरेक्ट बड़ा हो गया, आपको स्केल करने की नहीं पड़ी, डायरेक्ट वो 1:2 का स्केल ले लिया, बट जिसका स्केलिंग ऑफ था, तो जिसको एनोटेटिव नहीं किया था, वो बाय डिफॉल्ट जैसे साइज का था वैसे ही रह गया। ब्लॉक दोनों हैं बट चेंज हो रहे हैं सिर्फ एनोटेटिव वाले, तो डायरेक्ट यहाँ से आप चेक करके बढ़ाया कम कर, मर्जी आपकी, ठीक है। सो इस तरीके से चीजों को एनोटेट कर सकते हैं और अपना सेट कर सकते हैं। सो ये पार्ट भी हमारा समझ में आ गया। तो ब्लॉक के अंदर जो हमारे पार्ट्स थे, बेस पॉइंट, ऑब्जेक्ट एंड बिहेवियर, हमने आराम से समझ लिया कि एक्चुअली क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है इंसर्ट ब्लॉक, वो भी देख रखा हूं, आता है राइट ब्लॉक के बारे में। राइट ब्लॉक होता क्या है उससे समझने से पहले मैं ड्राइंग को चेंज करता हूं। अब इधर देखो, ड्राइंग टू के अंदर जैसे मैं आई एंटर करता हूँ ना, इंसर्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखते जितना भी ब्लॉक हमने बनाया है सब का सब आ गया, किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर जैसे ड्राइंग टू में आऊंगा मैं और आई एंटर दूंगा, तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई भी ब्लॉक नहीं आ रहा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जिसको जो भी तक हमने ब्लॉक अभी बनाया है, जिस भी तरीके के कमांड हमने यूज किया है, उससे सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी,
कि ये जो भी ब्लॉक को हम रीयूज तो कर पा रहे थे बट वो रीयूज सिर्फ उस करंट ड्राइंग में कर पा रहे थे। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है वो टेम्पररी बना, यानी कि जैसे आपने ड्राइंग चेंज किया वो ब्लॉक तो नहीं मिला ना, उसको नहीं यूज कर सकते ना। तो ऐसा करना हो कि ब्लॉक आपको फर्दर रीयूज करना हो, यानी कि टेम्पररी ना हो परमानेंट ब्लॉक बनाना हो, तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, राइट ब्लॉक यूज करना पड़ता है। जैसे आपको पहले याद होगा सीडी डीवीडी ले आते थे तो उस पर आप जो भी फाइल थी ना उसके अंदर बर्न करते थे या राइट करते थे, तो वही राइट कुछ यहाँ पर भी आता है राइट ब्लॉक के नेम से। ठीक है, सपोज करो मैं चाहता था कि ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक हो जाए और ड्राइंग थ्री में भी यूज हो, तो मैं क्या करूँगा, बी इंटर करूँगा, बी इंटर नहीं करूँगा, अब मैं डब्ल्यू बी इंटर करूँगा। ठीक है, डब्ल्यू बी फॉर द ब्लॉक, मैं यहाँ पर कमांड नेम लिखना भूल गया, लिख देता हूँ, ये क्या है, बी फॉर द ब्लॉक, इसका कमांड क्या होगा, डब्ल्यू बी टू, क्योंकि हमें रीयूज करना है क्या, राइट ब्लॉक, इसका कमांड क्या होगा, इंसर्ट ब्लॉक, डन। तो मुझे क्या यूज करना है, डब्ल्यू बी, एंटर किया, अगेन वही ऑब्जेक्ट ब्लॉक इसको सेलेक्ट करना है, मैंने ऑब्जेक्ट क्या, बेस पॉइंट क्या, ऑब्जेक्ट उसको बताना है, तो मैंने कहा पिक पॉइंट ले लो ये होगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो ये होगा। ठीक है, फिर से वही पूछ रहा है, रिटर्न रखना है, कन्वर्ट को ब्लॉक करना है, डिलीट करना है, क्या करना है, मैंने कहा कन्वर्ट को ब्लॉक करना है। अब एक्स्ट्रा क्या कह रहा है कि लोकेशन बताओ कहाँ आपको सेव करना है, हमने कहा चलो डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे न्यू ब्लॉक के नेम से हमने सेव कर दिया, और कह दिया ओके। ओके करने के बाद ये क्या हो गया, ब्लॉक में तो हो गया, आई एंटर करूँगा तो यहाँ पे इनका न्यू ब्लॉक नेम तो आएगा, बट ड्राइंग चेंज करते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, बट राइट नाउ अब आप ब्राउज को कर सकते हैं, ब्राउज किया, न्यू ब्लॉक डेस्कटॉप पे उठाया, ओपन करके उसको आप लाके प्लेस करें। ठीक है, इस तरीके से अपने पर्टिकुलर ब्लॉक को डिफरेंट ड्राइंग में भी यूज कर सकते हो, जैसे आप एक लेयर पे काम कर रहे हो, एक घर पे काम कर रहे हो, फिर डोर बना दिया, अब क्या करना है उस डोर को आप किसी दूसरे डायग्राम ले जाना है, किसी दूसरे प्लान में ले जाना है, तो आप डायरेक्ट सेव करके ले सकते हो। ठीक है, या ऐसे कोई आप बहुत बड़ी मशीन बना रहे हो, मशीन में नट एंड बोल्ट यूज होने मिलते हैं, ठीक है, नट मशीन में नट एंड बोल्ट तो लगा दिया, बट आगे मुझे मिलिंग मशीन बनानी है उसमें भी सेम नट एंड बोल्ट लगाना है, तो उस पर्टिकुलर नट एंड बोल्ट को राइट ब्लॉक करके रख दिया, ताकि आप जब नट मशीन का डायग्राम ओपन करो तो उसके अंदर भी उसको यूज कर सको। ठीक है, सो आप क्या देख पा रहे हो कि जितना भी आपका डायग्राम बनाने का स्पीड था ना, वो इससे कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़ने वाला है, कि बहुत बड़े ड्राइंग पे आप काम कर रहे हो तो उसको जब चाहे तब उसको रीयूज कर सकते हैं, यानी आपको ऑब्जेक्ट को बार बार बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि जितने भी ड्राफ्ट्समैन होते हैं, जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं, वो तो पूरे पूरे ड्राइंग को भी ब्लॉक करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि एक कमरा बना दिया, अब वो कमरा सेम जगह लगने वाला है, सेम 12x12 का कमरा लगने वाला है, तो डायरेक्ट उसको आप रीयूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टर्म में उसको लोग यूज करते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, कि ब्लॉक के बारे में लगभग हमने सब कुछ देख लिया, एक बार मैं टॉपिक ओवरव्यू कर लेता हूँ, जनरल ओवरव्यू के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, ग्रेपेटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, ब्लॉक के बारे में, राइट ब्लॉक के बारे में, इंसर्ट ब्लॉक के बारे में, जस्ट लगभग मैंने सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो डिस्क्रिप्टिव लगी हो, आपको लगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेटिव था, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, लाइक तो बनता है इतने के एफर्ट के वीडियो, और मेन काम सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।